Hello and welcome all of you. You are watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. We were studying in the topic of barriers of communication. There are four categories under which the barriers, the obstacles to an effective communication can be categorized. That is semantic barriers, psychological barriers, organizational barriers and personal barriers. Of which semantic barriers were already taught to you in the previous video. That is badly expressed message, faulty translations, technical jargon, unclarified assumptions, body language and gesture decoding, and symbols with different meanings. Similarly, psychological barriers were also discussed in our previous video, that is lack of attention, being present physically but remain absent mentally, premature evaluation before the completion of message, we just keep understand it in our mind, distrust and loss of transmission and poor retention. In today's video, we'll be discussing the personal barriers of effective communication. Agar person ke khud ke individual ke kuch barriers hain, to obviously it will also create some sort of hurdle for an effective communication. So let us start with the personal barriers. Semantic barriers ho hi gaya tha hamara, aur ab hum start karne wale hain. Aur aapko इस वीडियो से सिर्फ समझना ही नहीं है बल्कि इसमें जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करें. दीज विल एक्ट एज द नोट्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. लेट अस स्टार्ट विद द पर्सनल बैरियर्स. वी हैव टोटल फोर पर्सनल बैरियर्स. द फर्स्ट वन, द मीनिंग ऑफ पर्सनल बैरियर इज पर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू द पर्सनल फैक्टर्स और इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एज वेल एज रिसीवर. जो मैसेज ट्रांसमिट करने वाला है हो सकता है उसके कुछ पर्सनल बैरियर्स हों और जो सुनने वाला है उसके भी कुछ पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं. तो फर्स्ट वन इन दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स. अब अगर मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स पे जिससे वो बात कह रहा है उस पर पूरा भरोसा ही नहीं है तो उस बात को आधा अधूरा सा कहेगा, ढंग से अच्छी तरीके से समझाएगा नहीं, एंड इट विल क्रिएट अ बैरियर टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सेकेंड वन इज unwillingness to communicate. Now there is a very nice idea in the mind of a manager, a fantastic idea in the mind of the manager, but manager is having some personal barriers due to which he is unwilling to communicate in a proper manner. आपके पास में नॉलेज का होना और उस नॉलेज को प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट करना दो अलग चीज़ें हैं. सो वेयर द मैनेजर इज़ नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, वेयर द मैनेजर इज अनविलिंग टू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर मैनर, देन इट विल बिकम अ पर्सनल बैरियर. देन कम्स टू बी फियर ऑफ चैलेंज ऑफ टू अथॉरिटी. ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है. कई बार मैनेजर बहुत सारी बातें अपने सबॉर्डिनेट्स को इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको डर लगता है अगर सबॉर्डिनेट सब कुछ सीख जाएंगे तो फिर हमारी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में. और इस तरह का एक जो रॉन्ग फोबिया है दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ यू कैन से पर्सनल बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एंड द लास्ट वन इज़ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. आप अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत मेहनत से काम करने के लिए हमेशा कहते हैं लेकिन उनको कभी भी कोई इफेक्टिव रिवॉर्ड नहीं देते हैं, कभी उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं देते हैं. तो एक स्टेज के बाद में आप जब भी उनको काम करने के लिए कहेंगे तो उनको का मोटिवेशन कम होता जाएगा. सो इफ़ यू वॉन्ट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ वी नीड टू प्रोवाइड दैम एन इफेक्टिव इंसेंटिवस ऑल्सो. प्रॉपर इंसेंटिवस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड. सो दीज फोर फॉल अंडर पर्सनल बैरियर्स टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, यू कैन नोट डाउन इन द कॉपी. आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे. कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट में लिखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें. थैंक यू.